हेलो दोस्तों, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी गुरुजी आर्ट। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से एक आपको 3 नंबर लिखना होगा। इस तरह एक 3 नंबर लिख दीजिएगा, फिर इसके बाद जस्ट इसी के अपोजिट एक 3 नंबर आपको और यहाँ पर ऐसे लिखना होगा। 3 नंबर लिखने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए आप एक ऐसे पेंसिल की हेल्प से हल्का हल्का एक ओवल शेप यहाँ पर ऐसे लंबा सा ड्रॉ कर दीजिएगा। एक ओवल शेप हम इस साइड ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद जैसे हमने इधर ड्रॉ किया है इसी तरह आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर भी आप ऐसे एक ओवल शेप बनाते हुए इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक ये मार्कर का यूज करेंगे, क्योंकि पेंसिल की हेल्प से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब देखिएगा, इस 3 को हम थोड़ा सा मार्कर की हेल्प से पहले डार्क कर देते हैं, इधर भी आप ऐसे डार्क कर दीजिएगा। अब आप बहुत ही आसान तरीके से नीचे के साइड में एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाएंगे, फिर आपको एक हाफ सर्किल और बनाना होगा। इसी तरह आप नीचे के साइड में एक और हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर लाकर इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको ऐसे इस हाफ हाफ सर्किल के बीच में जो एक लाइन बनी है इसको हम ऐसे मिलाते जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हो गया, एक और आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। ऊपर के साइड में ले जाइएगा, यहाँ पे आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद इसको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब आप यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करिए, फिर यहाँ से हाफ सर्किल घुमा दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। अब आपको इधर से हल्का सा हाफ सर्किल बनाना होगा, इधर से हाफ सर्किल बनाइए, फिर यहाँ पर ला कर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर हम ऊपर के साइड में नासा द्वार, इसको हिंदी में बोलते हैं, ऊपर साइड में भी हम बनाएंगे नासा द्वार कैसे बनता है, यानी कि मुख गुहा का चित्र। देखिएगा, पहले हम मुख गुहा का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करिएगा, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों अब आप इसको ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा छोटी सी लाइन, फिर ऊपर की तरफ हाफ सर्किल बनाइएगा। यहाँ से आप ऐसे हल्का सा अंदर की बाहर तरफ करते हुए इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद अब आपको इधर से हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद ऊपर के साइड में हाफ सर्किल बनाइएगा हल्का सा, फिर ऊपर की तरफ ले जाइए, फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाइएगा और इसको आप यहाँ पे लाकर ऐसे मिला दीजिएगा। ये वाला हमारा नासा द्वार हो गया और ये हमारा मुख गुहा, यानी कि ये हमारा मुख गुहा हो गया। और बीच में हम यहाँ पे एक बनाएंगे श्वास, ये तो ये हमारा श्वास नली है। श्वास नली बनाने के बाद अब हम इसका लास्ट में इसका पार्ट्स नेम भी आपको लिखना बताएंगे। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने एक ओवल शेप बनाया है इसका यूज करते हुए आप यहाँ से एक ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाइएगा, फिर अंदर की तरफ आप ऐसे 3 नंबर लिख देंगे और ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्कल बनाते हुए आप यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिएगा। अब आपको इधर से हल्का सा अंदर की तरफ हाफ सर्कल बनाइए, फिर बाहर की तरफ करते हुए आप यहाँ पर लाकर इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अब इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको इसको डबल करना होगा, यहाँ पे आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। अब आपको इधर से एक हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पे ओवल शेप मिलाइएगा और यहाँ से आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल कर दीजिएगा। यही सेम प्रोसेस आपको एक बार फिर से रिपीट करना होगा। हाफ सर्कल बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाइएगा, ऊपर की तरफ ले जाने के बाद इस ओवल शेप का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा और यहाँ पे भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आपको ऐसे बनाना है, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ करिएगा और यहाँ पे ऐसे डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद थोड़ा सा आप थोड़ा यहाँ पे आप बाहर की तरफ कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ तो हमने टच किया ही है, अब आपको थोड़ा सा बाहर यानी इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर ले जाना होगा और इसको आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद एक छोटी सी लाइन और यहाँ पे ऐसे डबल करिएगा, ये हो गया हमारा, यहाँ पे मिलाइएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक हो जाने के बाद अब आपको इसको ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे मिलाना होगा, एक छोटी सी लाइन नीचे की तरफ ले जाइएगा, यहाँ से आप हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पे आप ऐसे और आगे की तरफ बनाते हुए हाफ सर्किल बनाते हुए इसको अंदर की तरफ यहाँ पर ला कर मिलाइएगा, जो थोड़ा सा हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ उस पर ला कर हम मिला देंगे।
अब आपको ध्यान से देखना होगा, इधर से इस वाले पॉइंट से आप ऐसे अंदर बाहर की तरफ करते हुए लाइन को आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ाइएगा और आप इसका यूज करते हुए इसको डबल कर दीजिएगा। डबल करने के बाद फिर से आपको ऐसे अंदर बाहर की तरफ छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करना होगा और ऊपर के साइड में भी यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए इसको डबल कर देंगे। पूरा हाफ सर्कल नहीं बनेगा लेकिन आपको ऐसे बनाना होगा। फिर इधर से आप ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करिएगा, इसको आप ऐसे डबल कर दीजिए। एक छोटी सी लाइन यहाँ पे आप डबल करके इसको डबल कर दीजिएगा, लाइन ड्रॉ करके आगे की तरफ भी आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें करके इसको डबल कर दीजिएगा। यहाँ पे भी आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। जैसे हम ट्री के ब्रांचेस निकालते हैं उसी तरह आप यहाँ पे भी ऐसे ब्रांचेस निकालने होंगे आपको। ये हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाइएगा, इसको भी हम ऐसे डबल कर देंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा सर्कल बना दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करते जाइएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। जब तक आप लास्ट तक देखेंगे नहीं तो आपको कैसे बनाने आएगा। अब देखिएगा, यहाँ से इस ओवल शेप का यूज करते हुए आप हल्का सा हाफ सर्कल बनाइए, इधर भी आप ऐसे हाफ सर्कल बना दीजिएगा। छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पे लाकर आप छोड़ दीजिएगा। इधर से आपको करना क्या है, एक छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, फिर आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। अब आपको इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे ऐसे डबल करना होगा। डबल करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्कल बनाइए, एक और ले जाइएगा, इसको एक सर्कल बना दीजिएगा बीच में। इसी तरह आप यहाँ पर डबल करिए और यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, यहाँ पे ऐसे डबल डबल करते हुए आप लास्ट तक नीचे ले जाइएगा, ऐसे डबल करिएगा। फिर यहाँ डबल करके हाफ सर्कल बना सर्कल बना दीजिएगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब आपको नीचे के साइड में भी एक छोटा सा यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ाना होगा, इसको डबल कर दीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ करिएगा, यहाँ से आप ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और ले जाइएगा, यहाँ पे ले जाइए और अंदर की तरफ करिए, हाफ सर्कल बनाइए। फिर इसको हमें यहाँ पे लाकर ऐसे छोड़ना होगा। फिर इस जो हमने यहाँ बाहर की तरफ किया था, इधर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, फिर अंदर की तरफ करिएगा, फिर बाहर की तरफ करते हुए इधर आप लाकर यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है, बस आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा। यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ करके इसको हम डबल कर देंगे, सर्कल बना देना है आपको, डबल करके इसको सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, एक छोटी सी लाइन यहाँ पे थोड़ा सा इससे बड़ा हमारा होगा, यहाँ पे आप ऐसे सर्कल बना दीजिएगा। अब इसका यूज करते हुए आप ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे आप ऐसे डबल करते हुए एक और बार यहाँ पे ऐसे अंदर के घुमाइएगा और यहाँ पे आप ऐसे डबल करते हुए आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इधर से आप ऐसे नीचे के साइड में मिला देंगे। मिलाने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे भी आप ऐसे हल्का सा यहाँ पे बनाइएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको करना क्या है, एक छोटी सी लाइन आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से मानव श्वसन तंत्र का चित्र बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसके पार्ट्स नेम को भी लिख लेते हैं।